हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बिहार यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ है सेशन 21-24 का पार्ट वन का, तो यहाँ पे मैं आपको जूलॉजी ऑनर्स पेपर वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही मैंने आपको पहले बताया था कि गेस क्वेश्चन कौन कौन से मतलब इम्पोर्टेंट है जो आने के चांसेज हैं, तो उसमें से चार क्वेश्चन आपको लिखना होता है और चार क्वेश्चन आ गया था, तो उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, लार्वा ऑफ ओबेलिया इज प्लेनुला, क्वेनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, मायोसाइट्स, माइकोसाइट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, प्लेनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश इज कॉल्ड एम्बुलेक्रल सिस्टम, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिड्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ब जेलीज आर सिलेंट्रेट, स्पोरीफेरा, टीनोफोरा, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ प्राउन इज ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, ट्रेकिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, ग्रीन ग्लैंड। द ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस इन टीनोफोरा इज नेमेटोब्लास्ट, ट्राइकोसिस्ट, कोलोब्लास्ट, सेल्स, स्टेटोसिस्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, कोलोब्लास्ट सेल्स। द पिगमेंट हेमोसाइनिन इज फाउंड इन आर्थोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्वेंस इधर उधर हो गया तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपका। ग्लोचिडियम इज अ लार्वा ऑफ यूनियो, बेलेनोग्लोसस, लिवर फ्लुक्स, सी एनिमोन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन होगा, यूनियो। डेड मैंस फिंगर इज हेलियोफोरा, फंजाई, एक्लायोनियम, सी एनिमोन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, फंजाई, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई इज बाइटिंग एंड चिविंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, लैपिंग टाइप, पर्चिंग एंड सकिंग टाइप। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, स्पॉन्जिंग टाइप। इन फेरेटिमा पोस्थ्यूमा क्लाइटेलम इज फाउंड इन 13-15 सेगमेंट, 14-16 सेगमेंट, 13-16 सेगमेंट एंड 14-17। तो 14-16 होता है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। बोट रायोडियल टिश्यू इज फाउंड इन एस्कैरिस, रैबिट, अर्थवॉर्म, हिरुडिनेरिया। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, हिरुडिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म इज फाउंड इन प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, पोडीफेरा, एनेलिडा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। कालाजार इज कॉज्ड ड्यू टू बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलस, सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, सैंड फ्लाई। टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी फाउंड इन एस्कैरिस, गैस्ट्रोवास्कुलर, सूडोसिलोम, सिलोम, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, सूडोसिलोम। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव का आंसर था, और आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है इसमें से आप ग्रुप ए में भी आपका चार क्वेश्चन है, बी में भी चार क्वेश्चन है, और आपको टोटल दोनों ग्रुप में से दो दो क्वेश्चन लिखना रहता है, यानी कि टोटल आपको चार लॉन्ग क्वेश्चन, फोर लॉन्ग क्वेश्चन एंड 15 ऑब्जेक्टिव या फिर तीन शॉर्ट आंसर टाइप। तो वो आपको या तो 15 ऑब्जेक्टिव बनाइए या तो शॉर्ट आंसर टाइप में से आप तीन बनाइए, और इधर ग्रुप ए और बी मिला के आपको चार क्वेश्चन लिखना है, यानी कि ग्रुप ए में से भी दो क्वेश्चन, ग्रुप बी में से भी दो क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ग्रुप ए में आपको चारों याद है तो आपने ऐसे लिख दिया, या एक ग्रुप से तीन और एक ग्रुप से एक लिखा, आपको दोनों ग्रुप से दो दो क्वेश्चन जो है पिक करना है, ठीक है। तो मेरे गेस क्वेश्चन में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका था, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक ये वाला क्वेश्चन और दूसरा डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय टेनिया सोलियम। तो ये दो क्वेश्चन जो है पेपर ग्रुप ए में था, और ग्रुप बी के अंदर बेलेनोग्लोसिस और एक सेक्यूलिना के लिए मैंने बोला था, लिखा नहीं था लेकिन मैंने बोला था कि सेक्यूलिना भी पढ़ लेने के लिए वो भी आ सकता है। तो ये चार क्वेश्चन जो है, और चार ही लिखना रहता है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।